देखो ये वाला एक्सीडेंट था ना, मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस एक्सीडेंट था जिससे मैं बच चुका हूँ। और लाइफ में उम्मीद करूँगा फिर से ऐसा एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि भाई सबसे बड़ा दुख ही होता है मोटोवलोग की लाइफ में कि भाई एक्सीडेंट हो कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो जाए, होना वो लेकिन भाई टांग टूट जाए ना तो बाइक नहीं चला पाना सबसे बड़ा दुख होता है। हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आए आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम ऑन माय अदर व्लॉग। सारे के सारे यार मेरी तरह मोहित काट रहे, शायद पता नहीं क्यों मानसून का मौसम चल रहा है, सारे के सारे कहीं ना कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं। तो हमने भी भाई घूमने का प्लान बनाया है, एक बहुत बड़ा ट्रिप है, बहुत मस्त ट्रिप होने वाला है। अब भाई ट्रिप पता नहीं कब निकलेगा, लेकिन पहले मेरी बाइक का छोटा मोटा काम वो करवाने में जा रहा हूँ मेरे लोकल टाउन लक्ष्मणगढ़ में, जयपुर से निकल चुका हूँ अभी। और भाई बाइक के अंदर छोटा मोटा जो भी है सारा सारा अभी करवा लेते हैं। और बाइक का तो मैं भाई यहाँ जयपुर से भी करवा लेता, एक मन में फीलिंग आ रही है कि यार छोड़ के आ ही जाएंगे, यहीं से करवा लेते हैं। दूसरा यार ये है कि अपन लोकल एरिया में जाके अपने दिल के हिसाब से जो अपना मन है वो चीज़ें अपन सारी चेंज करवा सकते हैं, जो काम है वो सारा आराम से सुकून से हो जाए। इसीलिए मैं जा रहा हूँ, मैंने पेट्रोल फुल करवाना है। पेट्रोल फुल करवाने के बाद निकलेंगे लक्ष्मणगढ़ के लिए। आज तारीख है 9 जून, और भाई 10 तारीख को या फिर 11 को मैं वापस आ जाऊँगा जयपुर। उसके बाद हमारा प्लान है 22 तारीख को लद्दाख निकलने का। तो भाई काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है सारे बंदे, इसीलिए भाई मैं जल्दी से बाइक का काम करवा रहा हूँ। बाकी यार टूर का बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत ही भयंकर वाली होने वाली राइड जो भी है। इतना लंबा है, 3000 किलोमीटर का मैंने पूरा रूट में बनाया है, हर एक चीज़ उसमें कवर होगी। श्रीनगर हो गया, कारगिल हो गया, सब कुछ होगा। 550 सादा पावर सादा। भाई आगे दिखाऊंगा यार क्या क्या प्रॉब्लम्स है, मॉर्निंग में दिखा देंगे। अभी मैं वाइजर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, फिर निकलते हैं वापस। पेट्रोल हमने फिल करवा लिया है, बाकी भाई क्या ही बताऊँ। अब रुक जाओ गाइस, अब यहीं पे रुक जाओ, पूरी वीडियो का सस्पेंस यहीं से क्रिएट होने वाला है कि भाई बंदा रॉयल इनफील्ड चला रहा था, एक्सीडेंट उसका RR 310 से हुआ है। तो भाई क्या ही बताऊँ, जिसके ज़िंदगी में लिखे हो ना लगने तो कैसे भी लग जाएंगे। अब मेरा भी दिमाग पता नहीं कैसे घूमा और क्या चीज़ लगी मेरे दिमाग में कि मेरे को भी लक्ष्मणगढ़ आज ही जाना है, और मैं चला भी गया। रास्ते में मैं पेट्रोल फिल करवाया था, उस टाइम भी मेरे को ऐसे फील हुआ कि यार छोड़ो रहने दो। उसके बाद ही मैं नहीं रुका कि यार छोड़ो यार काम करवाते हैं फटाफट, और अपना टाइम नहीं वेस्ट होगा, चलते हैं आज इतनी दूर आ गए। तो भाई मैं वहाँ से निकला ना, तब अंधेरा हो चुका था। और मैंने ब्लॉग के अंदर लास्ट में शायद बोला भी है कि भाई जो भी काम होगा नेक्स्ट डे होगा, तो मैं मॉर्निंग में आपको जो भी चीज़ें हैं सारी नीचे की दिखा दूंगा बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैंने व्लॉग वहीं पे ख़त्म कर दिया था, मैं सोचा यार बड़ा नहीं खींचे, इसलिए मैंने व्लॉग वहीं पे बंद कर दिया। अब भाई मेन स्टार्टिंग होती है कि एक्सीडेंट हुआ कैसे और कहाँ हुआ, उसकी तो भाई मैं यहाँ पे ना डाल दूंगा इसके जस्ट आगे की साइड जो भी मेरे पास जितने भी वीडियोज़ हैं CCTV की जो सब कुछ, तो वो सब कुछ तो मैं लास्ट में बताऊँगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो जहाँ हम रुके थे वहाँ से मैं भाई रात को क्या सुबह के टाइम में RR लेके निकला करीबन 5:30 बजे समथिंग, और 5:50 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। अब जो ये वाली क्लिप्स मैं डाल रहा हूँ ये वाली हैं CCTV फुटेज की, और जहाँ बाइक थी उसकी। तो पहले ये देख लो, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ सब कुछ। पोजिशन ले रहे स्लो कर दिया, स्लो कर दिया। सचिन हॉस्पिटल में भर्ती है, गुरु कृपा हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर, उसके अंदर भर्ती है, और आज उसका ऑपरेशन होने वाला है। और आपने वो CCTV रिकॉर्डिंग देखी ली होगी भाई, कितना स्पीड में था बंदा, लेकिन भगवान की कृपा से बच गया, वही बड़ी बात है। लेकिन भाई की उसमें कोई गलती नहीं थी,
भाई चला रहा था, लेकिन हाँ उसकी एक गलती थी कि वो स्पीड में चला रहा था, स्पीड में इसलिए था, इसीलिए ज़्यादा मतलब कि इम्पैक्ट हो गया बाइक पे भी और उसके ऊपर भी। अगर स्लो होता तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि जब 120-130 की स्पीड में था वो, कैमरे में आपने चेक कर लिया होगा सूँ ऐसा करके गया एकदम से, तो आपने चेक किया होगा कि कितना स्पीड में था। और भाई की भी कोई गलती नहीं थी ज़्यादा कि स्पीड में था और सांड ने मार दी, तो भाई का डिसबैलेंस हो गया। फिर बाइक चल रही है, आपको वीडियो में दिख गया होगा कि बाइक अकेली चल रही है, बंदा है ही नहीं बाइक के ऊपर, तो बाइक तक गिरी है नाले के अंदर गिरी एकदम से। तो अभी चलते हैं सचिन के पास, देखते हैं उसका क्या हाल चाल है। भाई साहब सिकर का ट्रैफिक देख लो कितना भयंकर हो रखा है, आगे तक लग रखा है, और वो सब जस्ट पहुँचने वाले हैं अपन सचिन के पास में, गुरु कृपा हॉस्पिटल है उस पर। भाई डॉक्टर बुलाया था, इतना प्रोफेशनल डॉक्टर आएगा सोचा नहीं था, वो भी गांव में ग्लव्स पहन रहे हुए पूरा। इसको डॉक्टर का नाम हनुमान राव। आज डे है 5th भाई एक्सीडेंट के बाद का, टाँके वहाँ के सब देख सकते हो। बाप रे, बोलते स्टार्ट कर दिया रे, अरे ऐसे मत पूछ। अरे भाई बाद में बताता हूँ यार, हालत खराब कर दी भाई। पहली ड्रेसिंग थी, इतना ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत भयंकर वाला। ये देखो टाँके दिख रहे होंगे, ये रहा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, एक पार्ट वहाँ भी आ गए, बहुत भयंकर वाला हो रहा है यार। तो भाई जो भी सीन हुआ आपने सारा का सारा देख लिया, बाइक की क्या कंडीशन थी और मेरी क्या कंडीशन थी वो तो मैं भाई ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी जो फीमर बोन है वो ब्रेक हो चुकी थी, और वीडियो में आपने देखा होगा मेरे घुटने पे जो भी है टांग के जहाँ मुड़ता है वहाँ पे भी छिल चुका है, और टाँके वहाँ के वहाँ भी लगे थे, और मेरे सर में भी लगी थी, फिर भी मैं भाई बेहोश वगैरह कुछ नहीं हुआ था, ब्लीडिंग वगैरह हुई थी काफ़ी सारी। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई हॉस्पिटल मेरे को टाइम पर पहुँचा दिया था, और इतना कुछ था नहीं, बस थोड़ा बहुत इम्पेक्ट यहाँ पर था, और मैंने कैमरा वगैरह कुछ नहीं लगा रखा था उस टाइम, क्योंकि सुबह मॉर्निंग थी, और मैं पता नहीं यार क्यों निकला था और किस लिए निकला था मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं वहाँ तक पहुँचा कैसे। सो इसके अंदर भाई एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि यार एक तो ओवर स्पीड में था, और दूसरा मतलब जो सिटी रोड थी ना उसके ऊपर था, और उसी पे सांड वगैरह आते जाते रहते हैं, वो तो पता है ना कौन से बिल से कौन सा सांप निकल जाए, वो सब कुछ पता नहीं चल रहा सिटी के अंदर। तो यही सीन मेरे साथ हुआ, ब्रेकिंग मैं कर नहीं सका, बस मेरे को इतना याद है मैं जहाँ से निकला था वहाँ से लेके और जहाँ मैं पहुँचा ना वहाँ तक का मेरे को कुछ भी याद नहीं है, बस इतना याद था कि मेरे सामने सांड वगैरह आए थे, उनके टच होने के बाद में उनमें थोड़ा बहुत हिट होने के बाद में मैं मतलब बैलेंस खो दिया था बाइक का, उसके बाद बाइक कहाँ गई मैं कहाँ गया किसी को नहीं पता, बस इतना पता है एक आंटी थी जो कि छत के ऊपर खड़ी थी, और मैं रोड के ऊपर कम से कम भी 15-20 फीट ऊपर उछल के पास में कुछ बाड़ा था, मतलब बोलते ना प्लॉट वगैरह, उसके अंदर जाके गिरा, और मेरे आगे 2 या 3 बंदे चल रहे थे, लड़के थे सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। अब उन्होंने भाई बाइक तो देख ली कि भाई बाइक तो आके गिरी है कहीं ना कहीं से, पर बंदा कहाँ गया बाइक के ऊपर है वो, तो ऊपर जो आंटी खड़ी थी वो उनको चिल्ला के बोल रही है कि भाई बंदा है उस बाड़े के अंदर पड़ा है जाके देखो। तो वो जब मेरे सामने आए तो मैं जगा हुआ था, आँखें वहाँ के खुली थी, मैं बस सर का खून रोक के बैठा था, क्योंकि हेलमेट था मेरे पे, हेलमेट सबसे बड़ी चीज़ है सेफ्टी के लिए, हेलमेट था मेरे पे, हेलमेट निकल के उड़ गया। अब वो पता नहीं यहाँ से क्लिप बंद थी कि खुली थी, मेरे को कुछ भी याद नहीं है, मैं सुबह क्यों उठा था, क्यों बाइक लेके निकला, जो होना था ना वो हो गया। और अभी मेरे को पूरा 1 मंथ हो चुका है, और मैं सोचा यार पूरा व्लॉग डाल देते हैं जैसे भी करके। तो ये वाला एक्सीडेंट था ना मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस एक्सीडेंट था, जिससे मैं बच चुका हूँ, और लाइफ में उम्मीद करूँगा फिर से ऐसा एक्सीडेंट ना हो, क्योंकि भाई सबसे बड़ा दुख ही होता है एक मोटर व्लॉगर की लाइफ में कि भाई एक्सीडेंट हो कोई बात नहीं, छोटा मोटा हो जाए, होना हो वो, लेकिन भाई टांग टूट जाए ना तो बाइक नहीं चला पाना सबसे बड़ा दुख होता है, और मेरी ऑडियंस के लिए। तो भाई 1 महीना हो चुका है, और फिलहाल मेरी कंडीशन कुछ यूँ है कि मैं बिना कुछ पकड़े चल पा रहा हूँ, ईजिली चल पा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत है, एक्सरसाइज वगैरह मेरी अच्छी चल रही है, और 23 तारीख को फिर से मेरे को एक्सरे वगैरह करवाना है, तो शायद 1.5 महीने में मैं एकदम फिट एंड फाइनल हो जाऊंगा, बाइक मैं 2 महीने बाद चला पाऊंगा, और कोशिश करेंगे जल्दी चला पाएं। बाकी भाई जो होना होता है वो हो जाता है, सेफ्टी वगैरह कितनी भी रखो। अब मेरे पूरे बॉडी पे कहीं पे भी स्क्रैच तक नहीं आया, हाथ पे भी स्क्रैच नहीं था मेरे, हाथ पे भी, दोनों हाथों पे और राइट साइड के पैर पे, बस मेरा लेफ्ट टांग टूटा था, वो भी फीमर बोन से टूटा और छिल गया था, बाकी भाई कहीं भी कुछ नहीं हुआ। इतनी स्पीड में था ना कि मेरे को खुद को नहीं पता था कितने थे, और जो सीसीटीवी में दिख रही है उसमें थोड़ा बहुत उसको बूस्टअप मारा हुआ है, स्पीड से चल रहा है थोड़ा, तो उसमें थोड़ी ज़्यादा स्पीड से दिख रही है बाइक जाते हुए, लेकिन अप्रोक्सीमेटली यार 100+ थी, इजीली मेरे को पता है 100+ थी, क्योंकि मैं उस बाइक को नहीं चलाता हूँ स्लो, और हो जाएंगे भाई अब जल्दी से रिकवर हो चुके हैं लगभग, क्योंकि जो भी था अपना सब कुछ हो चुका है टांग वांग का सही। बाकी भाई मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, लद्दाख नहीं गए कोई बात नहीं, फिर कभी चल लेंगे, जो
मोटो व्लॉगिंग लाइफ से या फिर रिलेटेड हैं, जो भी हैं, जो भी बाइक लवर्स हैं ना, उनको ये पेन फील होता है कि भाई टांग टूट जाएगा तो बाइक कैसे चलाएंगे, हाथ छिल जाता है, टूट जाता है, कोई नहीं बाइक पे पीछे बैठ के घूम लेंगे भाई पिलियन बन के, लेकिन भाई सबसे बड़ा दुख यही है टांग नहीं टूटे। अब मेरा टांग टूटा है तो भाई थोड़ा बहुत दुख मेरे को झेलना पड़ रहा है, फिर भी कोई नहीं, हो जाएंगे सही जल्दी ही। तो कैसा लगा वो लोग ज़रूर बताना, बाकी भाई गलती मेरी भी थी और सांड की भी थी, बाकी छोड़ो यार, जो होता है हो जाता है, कोई बात नहीं। बार बार उसी चीज़ को मैं दिमाग में लाता भी नहीं हूँ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, ऐसे हुआ, क्यों हुआ, ये वो सब कुछ छोड़ो, मौज करो, धीरे धीरे अपन वापस अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ यार ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा तो कुछ था नहीं पर ठीक ठाक था, कोई नहीं, मिलते हैं जल्दी एज सून एज पॉसिबल, और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जो चैनल पर पहली बार लाइक करना, बाय बाय।